गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th, लेक्चर नंबर 1, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल दैट अर्लियर वी हैव स्टडीड फ्रेंच रेवोल्यूशन इन क्लास 9th, एंड दोज हु हैव स्टडीड वेल इन क्लास 9th देयर फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर, they will face no problem in this chapter. Rise of nationalism in Europe is the name of the chapter, and the first thing we have to learn that what this word nationalism means. Nationalism kya hai? Nationalism ka matlab hota hai desh bhakti ya rashtra bhakti, aur ye koi मेटेरियलिस्टिक चीज है नहीं जिसे हम देख सकते हैं। ये एक भावना है जो लोगों के दिलों में पैदा की जाती है। तो सबसे पहला देश दुनिया में फ्रांस ही था जहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना फैली। वहीं के लोगों में ये दिमाग आया कि मोनार्की शिप या किंगशिप को हटाया जाए, खत्म किया जाए और अब एक नए युग का शुरुआत हो और जो पावर है, जो सत्ता है वो आम जनता के हाथों में हो, उसमें बदलाव हो। तो आप लोग देखिए कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आप लोग अगर अपना किताब का पहले पन्ना को देखते हैं उसमें एक यहाँ पे उस चीज़ को मेंटेन नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग अगर अपने किताब के पहले पन्ने को देखते हैं तो उसमें देखेंगे फ्रेडरिक सॉरियू एक चित्रकार हैं और उन्होंने एक तस्वीर बनाई है आपके पहले पेज पे चैप्टर के स्टार्टिंग में, और उस तस्वीर के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया है। वहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सभी देश उसके इर्द गिर्द खड़े हैं, लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो तस्वीर आपसे कह क्या रही है? उस तस्वीर में ये आर्टिस्ट कहने का ये कोशिश कर रहा है, आप देखिए उस तस्वीर में अगल बगल गिरा हुआ है, राजशाही का जैसे मुकुट वगैरह वो टूटा हुआ है, और जो सबसे प्रथम देश है वहाँ प्रजातांत्रिक सिचुएशन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुँचने में वो फ्रांस ही है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, उसके बाद और सभी देश है क्रमशः जर्मनी, इटली। अब वो एक यूटोपियन स्थिति थी। यूटोपियन स्थिति मतलब वो उस समय कलाकार के मन में वो बात उपजी थी कि प्रजातांत्रिक, लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यूटोपियन स्थिति उसको बोला जाएगा जैसे मनगढ़ंत चीज, जैसे आप समझिए कि एक हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं ना जिस प्रकार से, तो राम राज्य में कोई चोरी नहीं, कोई चिकारी नहीं, लेकिन वो संभव नहीं है, वो हम लोगों की कल्पना है। तो उसी तरह से उस समय फ्रेडरिक सॉरियू ने जिस चीज़ की कल्पना की थी उसको अब आगे बढ़ाया फ्रांस ने। सबसे पहला देश दुनिया में फ्रांस ही था जहाँ पे ये डेमोक्रेसी का विचार उपजा था। और अब हम लोग देखते हैं, देखिए मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या क्या बदलाव हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति में हुआ क्या था, राजशाही को उखाड़ फेंका गया था। उस समय कौन था वहां पे राजशाही में, बुर्बो शासक थे फ्रांस में, उनको उखाड़ फेंका गया था। वहां के जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने उसे खत्म किया था। अब ट्रांसफर आप लोग देखें, जब वहाँ पे राजशाही खत्म हो गई उसके बाद क्या नए बदलाव आए थे। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन पीपल है, यहाँ जो पावर था, जो सत्ता की ताकत थी वो आम जनता के हाथों में आ गई थी राजा के हाथों से निकल के, ये एक पहला पॉइंट था। ब्रॉट न्यू फ्लड, अब फ्रांस में लोगों ने और क्या बदलाव किए हुए थे। राजशाही का अलग अलग अपना अपना झंडा होता था, अपने पोशाक होती थी, हर राज्य के पास अपनी एक भाषा भी मान के चलिए कि होता था जिसके हिसाब से वो लोग बटे हुए होते थे। लेकिन अब देखिए वहाँ जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद पहला तो उन्होंने सत्ता को बदल दिया,
जनता के हाथ में ताकत आ गई। दूसरा चीज उन्होंने किया कि अपने झंडे को एक ट्राइकलर रंग दिया। ट्राइकलर का मतलब एक झंडा जो तीन रंगों से मिलकर बना हुआ है। फ्रेंच बिकम दी नेशनल लैंग्वेज। अब देखिए फ्रांस हमारे इंडिया में भी, आप समझने की कोशिश करें कि इंडिया में भी बहुत सारे 29 स्टेट्स हैं, देर आर टू मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, देर इज नो नेशनल लैंग्वेज टिल टूडे इन इंडिया। तो फ्रांस में भी वैसी ही स्थिति थी, लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, तो फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। लेकिन जब वहाँ पे 1789 में क्रांति के बाद वहाँ पे फ्रेंच भाषा को पे जोर दिया गया और जो भी लोकल भाषाएं थी उनको डिमोरलाइज किया गया, उनको खत्म किया गया। अब न्यू नेशनल एंथम कंपोज, अब फ्रांसीसी लोगों ने अपने लिए, अपने देश के लिए एक नया नेशनल एंथम भी लिखा। हर देश के पास अपना नेशनल एंथम है आज के डेट में, लेकिन उस समय किसी के पास नहीं था, सबसे पहला देश फ्रांस ही था, ठीक है। अब पांचवा बदलाव उन लोगों ने क्या किया था, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। जब आप लोगों को इससे पहले पढ़े हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब लुई 16 के ऊपर दबाव बनता है, वो टैक्स बढ़ाने के लिए लोगों को बुलाते हैं वोटिंग के लिए, तो आम जनता जो थी, जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ पीछे खड़े रहते थे। वो लोग अपील करते हैं लुई 16 से कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जब इस बात को माना नहीं जाता है तो वो लोग असेंबली छोड़ करके चले जाते हैं। अब वो लोग एक जा करके नया असेंबली चुनते हैं, उसका नाम दिया जाता है नेशनल असेंबली। जिन लोगों नेशनल असेंबली ने ही फ्रांसीसी संविधान को पूरा करने का काम किया था या लिखा था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज रिमूव्ड। अब देश, देखिए देश में बहुत सारे राज्य हैं, अब हर राज्य में कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है, एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में आप जाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर 29 स्टेट्स हैं, अगर हमको पांच राज्य पार करके कुछ सामान अपना बेचना है, तो अगर पांच जगह में टैक्स भरूंगा तो अपने सामान को जब बेचूंगा छठे जगह पे तो क्या होगा, वो सामान बहुत महंगा हो जाएगा। इस वजह से इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया। देश के अंदर आप कहीं भी जाएं, कोई टैक्स वगैरह आपको नहीं देना है कस्टम ड्यूटीज। इससे वहां के जो लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, उनको बहुत राहत मिली। नेशनलिज्म आइडिया वाज स्प्रेड टू होल यूरोप। पहले भी मैं बता चुका हूं कि नेशनलिज्म क्या है। ये एक भावना है और इस भावना को पैदा किया जाता है लोगों के दिलों में, दिमाग में, कि आप एक देश के रहने वाले हैं, आपका एक कॉमन भाषा है और हमारा सिटीजनशिप एक है, हम लोग एक ही देश के रहने वाले हैं, हमारा कल्चर एक है। तो इन सभी बिना पे हम अपने आप को एक देश का मानते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको समझाया कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या बदलाव आए थे फ्रांस में, ठीक है। अब फ्रांसीसी क्रांति तो हुआ, उसके बाद देखिए 1799 से 1815 तक नेपोलियन बोनापोर्टे 1799 से 1815 तक नेपोलियन बोनापोर्टे आया था और उसने वहां पे फ्रांस में राज किया था। तो पहले तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं नेपोलियन के साथ कि भाई ये एक नए युग का शुरुआत कर रहा है, ये हम लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा है, तो उसके साथ लोग बहुत जुड़े। तो 1799 से 1815 के बीच में एक 1804 में उसने एक सिविल कोड लागू किया। उस सिविल कोड को नेपोलोनिक कोड भी कहा जाता है। अब नेपोलोनिक कोड या सिविल कोड के अंतर्गत उसने बहुत सारे बदलाव किए थे फ्रांस में। वो बदलाव क्या थे, पहला बदलाव ये था एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। नेपोलियन ने सबको, पूरे फ्रांस के लोगों को कानून के सामने एक बराबर आका, सबको एक समान अधिकार दिया उसने। राइट टू प्रॉपर्टी, उसने इसमें भी बदलाव किया। पहले किसी के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं हुआ करती थी, सभी चीज राजा का होता था, लेकिन उसने राइट टू प्रॉपर्टी हक दिया। आपका संपत्ति कोई छीन नहीं सकता है, अगर कोई छीनेगा तो वो है आपका, क्या कहते हैं, सिर्फ सरकार ही आपसे आपकी संपत्ति ले सकती है अगर उसे कुछ विकास का काम करना हो तो। अब तीसरा ये था फ्यूडल सिस्टम एबोलिश्ड। देखिए वहाँ पे गरीब लोगों को जबरदस्ती काम कराना, उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह रखना, इस तरीका का सिस्टम फ्रांस में चला रहा था। और फ्रांस में हम लोगों ने देखा कि
तीन स्टेट में वहाँ की सोसाइटी बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के लोग ही सारा टैक्स भरते थे। इन सब चीज़ों को उसने खत्म किया। बर्थ राइट, जो जो लोग वैसे लोग जो जनजात अधिकार का उपभोग कर रहे थे, उन लोगों का जनजात अधिकार को खत्म किया गया। अब उसमें क्या क्या, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूव, जितने भी व्यापार अपने देश के अंदर व्यापार करते थे उसको उसने खत्म कर दिया था। और उसने सब पूरे देश में नाप नाप की एक एक पैमाना तय किया। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में 1 kg का 1000 ग्राम हो रहा है और बिहार में 1 किलो में 900 ग्राम ही हो रहा है और झारखंड में अगर आप जा रहे हैं तो 800 ग्राम का ही 1 किलो रहा, तो इससे बहुत दिक्कत होती थी। तो नेपोलियन ने इस चीज़ को भी बदला था, उसने एक मेजरमेंट का भी व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत लोग वहाँ पे व्यापार आसानी से कर सकते थे। अब देखिए नेपोलियन के राज में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड, उसने जितने भी सड़क वगैरह थी उनको उनमें इम्प्रूवमेंट कराया, उन्हें नया बनवाया। ये था नेपोलियन के द्वारा, नेपोलियन के शासन के दौरान जो उसने सिविल कोड लागू किया था उसके अंतर्गत ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन। अब नेपोलियन ने शासन किया था, अब नेपोलियन शासन चला रहा था, और ये तो नेपोलियन के फायदे थे जो मैंने अपने आपको गिनाया, जो उसने बढ़िया काम किया था। अब आप लोग देखेंगे कि उसने बुरा क्या किया था, उसकी शासन काल में क्या गलत हुआ था। नेपोलियन रेज टैक्सेस, नेपोलियन अपनी सेना बढ़ा रहा था ज्यादा से ज्यादा, तो जब ज़्यादा सैनिक रहेंगे तो ज़्यादा हथियार लगेंगे, ज़्यादा रसद लगेंगे, तो ज़्यादा रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसने टैक्स बढ़ाया था। अब नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू किया था अपने फ्रांस में। क्यों सेंसरशिप लागू किया था? क्योंकि नेपोलियन को ये लगता था कि उसके बारे में कोई बुरा न बोले, उसके बारे में कोई बुरा न लिखे, इसलिए उसने सेंसरशिप लागू कर दिया था। इस सेंसरशिप कानून के अंतर्गत उन फ्रांस के किसी भी न्यूज़पेपर या मीडिया वाले को ये अधिकार नहीं था कि वो बिना नेपोलियन के इजाजत के उसके बारे में कुछ गलत छाप सके। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। अब फोर्स द सिटीजंस टू जॉइन आर्मी। अब नेपोलियन ने तीसरा क्या बुरा काम किया था, गलत काम किया था, कि उसने वहाँ के नौजवान युवकों को जबरदस्ती अपनी सेना में भरा था, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ रहे थे कि क्योंकि आप किसी को कोई काम करना है तो उसकी इच्छा से अगर वो करे तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे फोर्स करेंगे तो वो गलत होता है। तो नेपोलियन अपने यहाँ अपने आम जनता को जबरदस्ती कर रहा था कि उसे सेना में भर्ती किया जाए, भर्ती करा भी रहा था, जिसकी वजह से लोग उससे नाराज हो गए थे। अब वुमेन्स वेर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स एंड फादर्स, दे बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स यू कैन से, और हस्बैंड्स। अब औरतों को उसने निर्भर कर दिया, औरतों के पास वोट देने का अधिकार नहीं रह गया था, औरतें पूर्ण रूप से अपने पिता और पति पे निर्भर हुआ करती थी नेपोलियन के राज्य में। इस वजह से भी लोग वहाँ नाराज थे। ये उसके ड्रॉबैक्स है, ये उसके शासनकाल के दौरान गलत काम जो थे वो थे। अब हम लोग देखते हैं, अब पहले मैंने बता दिया 1815 तक नेपोलियन ने राज किया था। अब देखिए वार ऑफ वाटरलू, जब ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी और वहाँ डेमोक्रेसी फैल रहा था, तो रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चार ऐसे देश थे जो ये नहीं चाहते थे कि राजतंत्र खत्म हो और प्रजातंत्र आए। इस वजह से उन्होंने क्या किया था, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ युद्ध किया और वाटरलू के लड़ाई में उसे हरा दिया गया था। ये वाटरलू एक लड़ाई था जिसे चार देश मिलकर लड़े थे नेपोलियन के विरुद्ध में, और नेपोलियन उस युद्ध में हार गया था, जिसके वजह से नेपोलियन का अंत हुआ 1815 में, उसके शासनकाल को खत्म हुआ। अब ट्रीटी ऑफ वियना आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जिस पे कल मैं आपको वीडियो भेजूंगा, और मैं समझता हूँ कि मैंने क्लियर किया आपको। और जब भी आप पढ़ें, जो भी लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, उसके बाद अपने किताब को एक बार आप पढ़ें, जिससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा ही क्लियर होगा।